हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम बैक टू मैपरी वर्ल्ड। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा सा रेमेडी आपके संग शेयर करने जा रही हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे बालों का लस्टर थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा जो है बाईपास वाले एरिया में ट्रैवल कर कर आ रही हूँ। और बेसिकली मैं बाइक से ट्रैवल करके मैं गई थी, और मुझे बाल खुले रखना बहुत अच्छे लगते हैं, जिस वजह से काफी धूल डस्ट वगैरह मेरे बालों में जो है वो आ चुकी है। और इन दिनों मानसून में स्पेशली जब आप देखते हो कि मॉइस्चर हो जाता है मौसम में, बाल में जो है नमी की वजह से जो है डैंड्रफ हो जाती है, इन्फेक्शन होते हैं, साथ साथ बाल जो है फ्रिजी होने लग जाते हैं। बहुतों का ये प्रॉब्लम है कि मानसून में स्पेशली बाल फ्रिजी हो जाते हैं, बाल बिल्कुल भी स्मूथ शाइनी नहीं रहते हैं, बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं। तो इन सारी समस्याओं का निदान एक साथ है महंगे से महंगे स्पा, हेयर रीग्रोथ सीरम, ये सारे इसके आगे जो है बिल्कुल ही फेल है। 100% रिजल्ट गिविंग रेमेडी है। एंड ये जो रेमेडी है ये एक नेचुरल शैम्पू है। जी हाँ, आज हम घर में बनाएंगे बिल्कुल ही एक उम्दा सा शैम्पू, जो आपको आपके बालों में जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लस्टर शाइन, आपके बालों में जो है वॉल्यूम ऐड करेगा, डेंसिटी बढ़ेगी आपके बालों में, और रीग्रोथ करेगा, हेयर ग्रेइंग को भी खत्म करता है ये, अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं। यस, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बालों के मामलों में मैजिक नहीं होता है, क्योंकि इट टेक्स टाइम। तो अगर आप इसे डेली यूज कर सकते हैं, एक चीज गारंटी है कि आपको कभी भी हेयर रिग्रोथ सीरम और कंडीशनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप पार्लर जाकर महंगे स्पास, कैरेटीन, प्रोटीन, वट एवर दे डू, वो नहीं करोगे। बस आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी है, और सिर्फ दो चीजों से ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा, अमेजिंग सा, 100% रिजल्ट गिविंग शैम्पू जो है वो घर में रेडी हो जाएगा, और आप पाओगे बिल्कुल ही हेल्दी वॉल्यूम और आप पाओगे बिल्कुल हेल्दी लस्ट्रस वॉल्यूमिनस डेंसिटी वाली बाल घर पे लॉन्ग, वो भी सिर्फ दो चीजों की मदद से। तो आज की रेमेडी ध्यान से देखना, ध्यान से फॉलो करना, और कोई झंझट नहीं है। बस दो चीजें आपको चाहिए, घर पे इजिली अवेलेबल होता है, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करें और अपने बालों को बनाए लंबा, घना, खूबसूरत, काला। और सब पूछेंगे शैम्पू कौन सा यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको जानना है कि शैम्पू कौन सा यूज करना है और कैसे करना है, इतना इतना जिसे होने के बाद भी, लाइक मैं अभी ट्रेवल करके जस्ट आ रही हूँ, अभी मैंने शॉर्ट डाला है अपना, आप देख, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा, तो फिर भी मेरे बालों में लस्टर की कमी नहीं है, क्योंकि मैं वीक में एक दिन इसे जरूर यूज कर सकती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 दिन बिल्कुल बिंदास यूज कर सकते हो। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी फटाफट। मैं अभी शैम्पू प्रिपेयर करूंगी, चेंज करके फटाफट आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे मैंने शैम्पू रेडी किया है, और उसके बाद आप देखेंगे इसका लाइव रिजल्ट। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे, और अपने इस वीडियो को, मेरे इस वीडियो को जो है आप सब जो है दे अपना ढेर सारा प्यार। प्लीज प्लीज मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बटन दबाए ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग मेरी इस वीडियो करें लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि DIY नेचुरल शैम्पू घर में कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पानी में हम डालेंगे फीस फुल हैंड फुल ऑफ करी लीव्स, करी पत्ता और हिबिस्कस लीव्स। अब हिबिस्कस और करी पत्ता ये दोनों ही बालों को कंडीशन करने के लिए, नरिश करने के लिए, बालों का जो डैमेज है रिपेयर करने के लिए नंबर 1 होते हैं। इस पूरे पानी को आपको तब तक बॉईल करना है जब तक जो लीव्स है उसका कलर चेंज ना हो जाए और पानी हाफ ना हो जाए। तो चलिए इसे बॉईल होने देते हैं, और बॉईल आपको हाई में नहीं करना है, आपको धीमी आँच में इसे बॉईल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो पत्ते हैं वो कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, वाटर का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 इंच जिंजर, काफी अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए भी, जिंजर अच्छा होता है और हमारे हेयर्स पे भी मैजिक वर्क करता है। तो ये मैं इस तरह से ग्रेट करके डाल रही हूँ ताकि वो बहुत इजीली जो है उसमें अपने सारे जो नरिशमेंट है वो पानी में दे और अच्छे से बॉईल हो जाए। तो ये 1/2 इंच में इसमें यूज कर रही हूँ, आपके रूट्स को जो है रीजेनरेट करता है जिंजर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पत्ते अपने कलर छोड़ देंगे उस टाइम पे आपको ये जो है 1/2 इंच जो है जिंजर
काट लेना है, और काट कर जो अच्छे से धोकर आप इस तरह से ग्रेट करके डालें। अगर आपके पास इस तरह से कद्दूकस करना है या ग्रेटर नहीं है, तो आप इसे जो है किसी की मदद मतलब से इसमें बस आपको जो है तोड़ देना है प्रॉपर, ताकि इसका जिंजर का जो जूस है वो आप इस वाटर में पहुंच पाए। और अब हम इसे और अब जो है बॉईल करेंगे जब तक ये बिल्कुल आधा ना हो जाए। तो अब हमारा जो वाटर है वो बिल्कुल अच्छे से जो है पक रहा है। बस 5 मिनट और, ये देखिए 5 मिनट और करेंगे हम, उसके बाद जो है वाटर देखिए इसका लेवल यहाँ था और ये डिक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा ऑयल से हम जो है बॉईल करेंगे, लाइक आपको जो है हाफ कर देना है बिल्कुल। तो अब ये बिल्कुल जो है हाफ हो चुका है, तो अब हम इसे गैस ऑफ करेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे एक बाउल में। ये देखिए बिल्कुल हाफ हो चुका है। तो हमें मिल गया है हमारा कंकक्शन, ये कंकक्शन ही हमें चाहिए। तो हमें एक कंकक्शन मिल चुका है, इसे ठंडा होने देना है। ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना शैम्पू। तो मैंने लिया है क्लिनिक प्लस शैम्पू, अब मैं इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने 2 क्लिनिक प्लस लिया क्योंकि मेरे बाल थोड़े बड़े हैं, आप कोई और भी शैम्पू ले सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें और अप्लाई कर लेना है अपने बालों पर। हमने इसमें यूज किया था करी लीफ, जो रिच सोर्स है प्रोटीन के, बेटा कैरोटीन के, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बालों को मजबूत करते हैं, स्ट्रेंथन देते हैं और साथ साथ में हेयर रिग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। इसमें अमाइनो एसिड पाया जाता है जो प्रिवेंट करते हैं हेयर लॉस, हेयर को स्ट्रेंथन करते हैं, हेयर शाइन बढ़ाते हैं। इसीलिए करी लीव्स आर ऑलवेज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ हेयर रेमेडीज। नेक्स्ट हमने यूज़ किया था हिबिस्कस लीफ, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा रिच होता है अमाइनो एसिड में और एक प्राइम बिल्डिंग ब्लॉक है कैरेटिन का। कैरेटिन एक प्रोटीन है जो आपके बालों को नरिश स्ट्रेंथन करता है और आपके बालों को आपके जड़ों से मजबूत करता है। और वो कैरेटिन जो है आपको इजीली जो है हिबिस्कस के लीफ्स में मिल जाता है। और साथ साथ जो है ये आपके बालों को बूस्ट करता है ताकि वो नए हेयर फॉलिकल्स जो है वो निकल पाए, ताकि हेयर लॉस जो भी हुआ है वो जल्दी जो है आपका कवर अप हो पाए, और स्टिमुलेट करते हैं आपके हेयर ग्रोथ को। इसके बाद हमने यूज किया था जिंजर, मतलब कि अदरक या आदि बोलते हैं, जो हेल्प करता है इम्प्रूव करने में सर्कुलेशन आपके स्कैल्प की और स्टिमुलेट करता है आपके हेयर फॉलिकल को, जो इन टर्न जो है प्रमोट करते हैं लॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हेयर हमें देने हमें मिलते हैं। और इसमें होते हैं विटामिन, मिनरल, फैटी एसिड्स। जिंजर जो है इसके वजह से हमारे हेयर ग्रोथ को में भी हेल्प करता है, हमारे हेयर स्ट्रैंड को स्ट्रेंथ करता है, ताकि किसी भी तरह के रीजन की वजह से अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो उससे उससे ये लड़ पाए, और के हेयर स्कैल्प की मॉइस्चर को ये बहुत अच्छे से बनाए रखता है। तो जिंजर भी हेयर स्ट्रेंथनिंग और हेयर रिग्रोथ में काफी जो हेल्पफुल है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था हमारे इस रेमेडी में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मैजिकल हेयर पैक था वो रेडी हो गया है कंप्लीट हेयर नरिशमेंट के। तो फटाफट, अब ये थोड़ा वॉटरी है तो आप इसको लगा कर रखना नहीं है, आप इसको लगा कर जो है मसाज करेंगे, और मसाज करते हुए फिर हम इसे वॉश कर लेते हैं जैसे हम जनरली जो है शैम्पू करते हैं। चलिए मैं इसे फटाफट वॉश कर लेती हूँ अपना हेयर। मैं अपने हेयर कंडीशनर शैम्पू दिखा दूँ, ऑयली है अभी, ज़्यादा सिल्की भी नहीं है, तो मैं इसे यूज़ करके आती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बाल जो है वॉश कर लिए हैं और अब मैं इसे नेचुरली ड्राई होने दूंगी कि मैं क्योंकि मैं ब्लो ड्राइंग नहीं यूज करती हूँ, उससे स्प्लिट टेंट्स की शिकायत हो जाती है बहुत ज्यादा, तो स्प्लिट टेंट्स हो जाएंगे बालों में। इमरजेंसी में कभी कभी कर सकते हैं, पर नेचुरली अपने बालों को सुखाना चाहिए। और जब तक ये नेचुरली ड्राई नहीं होते हैं, सेमी ड्राई नहीं होते, मैं इसमें कॉम्बिंग भी नहीं करती हूँ। तो ये मैंने जो है मैं दिखा दे रही हूँ आपको, मैंने अपने बाल जो है धो लिए हैं, ये देखिए आपके सामने मैंने
दिखाया है। और पालों में शाइन जो है वो मुझे अभी से दिख रही है, और अब जब मैं ये नेचुरली ड्राई हो जाएंगे मैं इसे कॉम करके आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी। तो चलिए इसे नेचुरली ड्राई होने देते हैं और वेट करते हैं इसके ऐसे रिजल्ट का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बाल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बाल में जो है बहुत ही अच्छा सा लस्टर ऐड हुआ है, चमक ऐड हुआ है बाल में, और ये कोई महंगे प्रोटीन कैरेटिन या कोई स्पा लेने से नहीं हुआ है, बस एक आसान सा जो है नुस्खा हमने यूज किया था, एक बहुत ही अमेजिंग सा शैम्पू रेडी किया है घर पे ही दो चीजों के मदद से, और जिससे जो है ये फाइन रिजल्ट मिल रहा है। आपके बालों की डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके बाल स्वस्थ दिखेंगे, नरिशमेंट मिलेगी आपके स्कैल्प में, इचिंग किसी भी तरह की आपके स्कैल्प इन्फेक्शन को भी दूर करेगा ये, और आपके बाल इस तरह से बिना किसी हेवी ट्रीटमेंट के सिल्की बाउंसी वॉल्यूमिनस दिखेंगे बिल्कुल। और हर किसी को चाहिए होता है कि उनके बाल जो है इस तरह के जो है सिल्की और वॉल्यूम वाले दिखें, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे फेस पे हमारे बाल होते हैं। और ये देखिए मैं कैसे भी कर लेती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस इज व्हाट एवरीबॉडी वांट्स। ये देखिए मैं अगर आपको नजदीक से दिखाऊं तो ये शाइन जो है महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराने से भी मिलता है। तो ये है मेरा कंप्लीट जो है बालों का लुक, आप देख सकते हो बिल्कुल जो है बाल हेल्दी दिख रहे हैं, बालों में वॉल्यूम है, डेंसिटी है, बाल बिल्कुल भी उलझ नहीं रहे हैं, फ्रिजी ही नहीं है बिल्कुल, मेरे बाल फ्रिज फ्री हो गए हैं। और अगर आपको भी इस तरह के घने लंबे मुलायम और बिल्कुल फ्रीज फ्री सुंदर बालों की जरूरत है, अगर आपको पसंद है तो आप ये जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स अगर आपको भी इस तरह के सुंदर बाल चाहिए आपके चेहरे पे, इससे एक एक्स्ट्रा जो है कॉन्फिडेंस ऐड होता है, एक खूबसूरती बढ़ती है आपके चेहरे की, अगर आपके बाल सुंदर और खूबसूरत हों, घने हों, लंबे हों, मजबूत हों और शाइनी हों, तो फिर क्या ही बात है। फिर चाहे मर्जी आप जैसा भी हेयर स्टाइलिंग करें, चाहे जो भी पहने, आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मैंने आपके संग शेयर किया एक बहुत ही अनोखा सा शैम्पू जो आप इजली दो चीजों की मदद से घर पे बना सकते हैं, और इस तरह का ट्रीटमेंट जो है अपने बालों को घर पे दे सकते हैं बिल्कुल कम से कम खर्च में। कम से कम खर्च क्या, मैं तो बोलूंगी बिल्कुल जीरो कॉस्टिंग पे, कोई खर्च ही नहीं है इसमें। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल बटन दबाए ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग करें मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड डू कमेंट एंड टेल मी कि आपको मेरे सारे वीडियोस कैसे लगते हैं, और कि मैं हमेशा वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड डू सब्सक्राइब वंस अगेन, और ये वीडियो जाएं देखें फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद अगर आपने यूज किया है तो कैसा रहा आपका रिजल्ट वो शेयर करें, आप देखें कितना ज्यादा चमक रहा है ये बाल अभी भी। तो आई लव दिस काइंड ऑफ शाइनी सिल्की स्मूथ एंड लॉन्ग स्ट्रांग हेयर्स। तो अगर सिल्की शाइनी स्मूथ लॉन्ग और स्ट्रांग हेयर्स चाहिए तो ये बहुत ही अमेजिंग सा शैम्पू जो आप घर पे इजिली बनाकर यूज कर सकती हैं, और बिल्कुल भी पार्लर जाने की जरूरत या स्पा लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो फटाफट जाएं वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, गुड डे, बाय बाय।